देश में अभी कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी कि तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। और तीसरी लहर का जो सबसे ज्यादा असर है वो बच्चों पर बताया जा रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राकेश बागड़ी जी हैं, जो कि कलावती हॉस्पिटल में बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। सर, कोरोना की तीसरी लहर का जिक्र जो चल रहा है, किस पर सबसे ज्यादा असर करेगी? बच्चों पर बताया जा रहा है, और आप तो बच्चों के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। पहले जैसा कि मैंने बताया कि पहली वेव और सेकेंड वेव में भी बच्चे पॉजिटिव आते थे, उनमें भी पॉजिटिव जब हमारे पास हॉस्पिटलाइज जो भी पेशेंट होते थे दूसरी चीजों के लिए, दूसरी साइन और सिम्टम या डिजीज की वजह से जो भी पॉजिटिव आते थे, तो जब हम उनमें कोविड टेस्ट कराते थे तो पॉजिटिव काफी निकलते थे। लेकिन जैसा कि एडल्ट में और मिडिल एज पीपल्स में देखा गया है, जो उनमें साइन एंड सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते थे वो एज कंपेयर टू उनके मुताबिक बच्चों में वो कॉम्प्लिकेशन हमें कम देखने को मिला है फर्स्ट और सेकंड वेव में। तो यही थर्ड वेव में भी यही जारी, मतलब यही ट्रेंड रहने वाला है कि थर्ड वेव में पॉजिटिव तो आएंगे बच्चे, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतना कॉम्प्लिकेशन ना हो जैसा कि फर्स्ट और सेकंड वेव में देखा गया है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि बच्चों में जैसे 1 ईयर से छोटे बच्चे होते हैं, उनमें क्या है, कुछ रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में डेवलप नहीं होते हैं, या उस यंग एज में वो रिसेप्टर डेवलप नहीं होती जहाँ कोविड सबसे ज्यादा मैक्सिमम अफेक्ट करता है, तो इसलिए साइन एंड सिम्टम बच्चों में कम हो जाते हैं। तो उसी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट सेकेंड वेव में बच्चे पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी कि इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। थर्ड वेव में भी बच्चे तो पॉजिटिव आएंगे, अगर एडल्ट आएंगे तो बच्चे भी पॉजिटिव आए, लेकिन ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पब्लिक से मैं यही मेरी दरख्वास्त रहेगी कि इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस जो जो गाइडलाइंस पहले भी फॉलो कर रहे थे हम फर्स्ट वेव सेकंड वेव में, वही हमें फॉलो करनी है इस वेव में। सर, किस तरह की दिक्कतें बच्चों को आ सकती हैं? क्योंकि पहले दो की अगर बात करें तो वो बुखार बार बार आना और खांसी सरदर्द, इस तरह की शिकायतें थी। तो थर्ड डे में भी ऐसी तरह के सिम्टम्स रहेंगे या कुछ बदलेगा? जी, अगर बात की जाए मैक्सिमम सिम्टम्स की बात की जाए तो फीवर, कंजक्टिवाइटिस, रेस, बॉडी एक और कफ, निमोनिया, ये वाले सिम्टम्स तो प्रीडोमिनेंट थे फर्स्ट फर्स्ट वेव में भी यही थे। जो मैं बड़े बच्चों की बात करूँ, छोटे बच्चों में तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि उतनी बार पॉजिटिव हो तो जाता है बच्चा, लेकिन उतने सिम्टम्स नहीं आते हैं तो फर्स्ट, लेकिन सेकेंड में हमें कुछ देखने को मिला, कुछ थोड़े से इंक्रीज हुए नंबर, क्योंकि हमारा डायग्नोसिस टेस्टिंग वाला बढ़ गया था, बच्चों में हम ज्यादा करने लगे तो टेस्ट पॉजिटिव पड़ गए थे। तो सेकेंड में बढ़ा, तो सेकंड में हमें यही पता लगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए थे सेकंड केस में। बात की जाए पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, MIC एक फिनोमिना है, वो बच्चों में हमें देखने को मिला। तो उसमें क्या होता है कि कई बार बच्चों में BP फॉल हो जाता है, शोक में चला जाता है बच्चा, कई बार उसके रेस्ट जब इडिमा पूरे शरीर में सूजन आ जाता है, डायरिया, वोमिटिंग ज्यादा हो जाता है, और कई ऑर्गन फेलियर भी सिम्टम आ जाता है। हमें जो भी आपको लगता है, अगर 2 या 3 दिन से ज्यादा फीवर है, कफ है, बॉडी एक है, या डायरिया वॉमिटिंग है, तो इनको नजरअंदाज नहीं करना, इनके लिए भी हमें नजदीकी तुरंत जो बच्चों के विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेनी है, या तुरंत सरकारी अस्पताल में या अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी आपको नजदीक पड़े उनसे सलाह जरूर लेनी है। ये नहीं कि घर पे ही आप इलाज करेंगे, बस सलाह जरूर लेनी। डॉक्टर राकेश जी, एक चीज समझना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं उनमें इस समय जिस तरह की परेशानी देखने को मिली, सबसे ज्यादा वो मानसिक तनाव की है। कुछ बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए, क्या कारण है इसके पीछे? जैसा कि आप जो कुछ बच्चों में साइकेटिक इश्यूज की बात कर रहे हैं, जैसा कि जो हम OPD में भी देखते हैं, हमें कई बच्चों को फॉलो अप करते हैं, तो हमें जो मैक्सिमम जो कारण नजर आ रहा है, एक तो 2 साल से बच्चे इंडोर ही है, घर से बाहर नहीं जा पा रहे, कोई एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे, अपने रिलेटिव या फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे, उनकी एक ही लाइफ सेम चल रही है, या मान लीजिए बोरिंग चल रही है, और उनकी टर्म्स में बात की जाए कुछ नया करने को नहीं मिला। एक तो चिड़चिड़ापन रहने का, मानसिक तनाव का एक तो ये मेजर सोर्स हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड से, अपने साथ वालों से उनसे नहीं मिल पा रहे, या लाइफ में कुछ उनका अलग से नहीं हो रहा, सेम रूटीन रह रहा है। तो एक तो मैक्सिमम केस ये है जो हमें देखने को मिल रहा है। तो उसमें हमने पेरेंट्स को यही बोला है कि उनको इन्वॉल्व करना है, अच्छी से अच्छी मतलब कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है, नई नई चीजें सिखानी है, और
ऑनलाइन क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं उनको, नई एक्टिविटीज के लिए, इंडोर स्पोर्ट्स के लिए उनको प्रमोट करना है, इंस्पायर करना है, तो ये चीजें हम उन बच्चों में कर सकते हैं। बाकी कुछ पेशेंट जो अगर हॉस्पिटल स्टे रह गए हैं, जो काफी लंबे समय तक हॉस्पिटल में रह के जाते हैं, उनमें भी कई बार बच्चे जैसे आप बात करेंगे डिप्रेशन में आ जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो उन्हें हमें अच्छा एटमोसफेयर देना है, उनको डाइट हमें अच्छी रखनी है, उनको एक्सरसाइज भी हमें फोकस करना है, तो ये चीजें हमें फॉलो करनी है। और ओपीडी में या अगर ज्यादा अगर सिम्टम्स लगते हैं, बच्चा अगर आपको ज्यादा परेशान दिखता है, तो हमें साइकेट्रिस्ट से भी काउंसलिंग कर लेनी चाहिए। इसके ये जो तीसरी लहर है, इसका जो बच्चों पर जो असर होगा, कितनी उम्र से और कितनी उम्र तक के बच्चों को ज्यादा असर होने वाला है, या छोटे बच्चों को कम रहेगा? तो जैसा कि हमने जो पहले की दो ट्रेंड्स में देखा था, जो पहले की दो वेव्स में देखा था, कि हमें टीनेजर्स वाले एज ग्रुप के ही ज्यादा पेशेंट्स थे एज कम्पेयर टू लेस देन वन ईयर या स्कूल गोइंग की बात की जाए, तो उनमें उतने सिम्टम्स नहीं थे, उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे कोविड, क्योंकि जो मैंने बताया ना कुछ सेल्स रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, वो उतने एक्सप्रेस नहीं होते हैं अर्ली लाइफ में, वो बाद में जाके एक्सप्रेस होते हैं, तो कोविड उतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ छोटे बच्चों में, लेस देन वन ईयर में या स्कूल गोइंग में मान सकते हैं। तो पहले की दो वेव्स में भी वही ट्रेंड था कि मैक्सिमम हमारे टीनेजर्स ग्रुप्स के, जो आप मान सकते हैं 10 के अबव वाले, जो एडोलसेंट से मिलते जुलते उस एज ग्रुप के आसपास के, उनमें ही हमें थोड़ा ज्यादा इसके कॉम्प्लिकेशंस और सिम्टम्स नजर आए थे। तो आने वाली वेव्स में भी हो सकता है यही ट्रेंड रहे कि सेम उसी एज ग्रुप के ज्यादा अफेक्टेड रहे, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अभी दूसरी कंट्रीज को फॉलो करके नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट जो उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उन्हीं पे फोकस रहने वाला है, जब सारा ये 18 के अबव वाला कंप्लीट हो जाएगा, तो जैसे कई बाहर की कंट्रीज में भी टीनेजर्स या स्कूल गोइंग वालों को एनरोल कर लिया है, तो मेरी गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त यही रहेगी, अपील यही रहेगी कि तुरंत इस दिशा में कदम उठाए, उनको जल्दी से जल्दी एनरोल करें, जो भी हमारा 18 वाला कंप्लीट होने के बाद जो भी टीनेजर्स हैं या स्कूल गोइंग एज के हैं, उनको जल्दी से जल्दी एनरोल करें, ताकि उनके जो खतरा भविष्य में मंडरा सकता है उसको काफी हद तक कम किया जा सके। वैक्सीन को लेकर बात चल रही थी, वैक्सीन का एक ट्रायल चल रहा है एम्स के अंदर, और जो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कहा है कि सितंबर तक हो सकता है बच्चों को वैक्सीन मिल जाए, कितना बड़ा कारगर कदम साबित होगा ये? नहीं, जैसे कि मैंने बताया काफी बड़ा कदम होगा, मैंने जैसे बताया कि हम पिछले एक युद्ध स्तरीय काम चल रहा है हमारा पिछले 2 सालों से, सरकारों का सारे फ्रंट जो कोविड वॉरियर है जो लड़ाई लड़ रहे, काफी युद्ध स्तरीय कार्य कर रहे हैं पिछले 2 सालों में, काफी मेहनत कर रहे हैं, जान लगा के अपनी, तो उनके लिए काफी एक अच्छी मदद हो सकती है, क्योंकि अब जितना लोड कम होगा हॉस्पिटल्स में उतना ही सबके एक तरह से संसाधनों के या किसी पर्सनल फिजिकली मेंटली एक ओवरऑल बर्डन कम होगा, देश के इकोनॉमिक बर्डन कम होगा, तो ये काफी अच्छा कदम हो सकता है, और काफी उससे हमें जो लड़ाई में है काफी मदद मिल सकती है आने वाले समय में इसके लिए। तो मैं जल्दी सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जो और विदेशी जो फॉरेन में जिन कंट्रीज में इसको लागू कर दिया गया है, उनसे थोड़ा कोऑर्डिनेट करके, उनसे थोड़ा सामंजस्य से बैठा के उनसे हमें भी इसको लागू करना चाहिए जल्दी से जल्दी। सर, अब कोरोना की भी दो लहरें भारत झेल चुका है, तीसरी लहर आने वाली है, कब तक ये आएगी और क्या कुछ ध्यान रखना है इस लहर में? जैसा कि जो भी ये ट्रेंड होता है वायरल डिजीज का ना, एग्जैक्ट डिजीज तो कोई पता नहीं सकता, एपिडेमियोलॉजिस्ट जो भी हम फाइंडिंग करते हैं, सर्वे करते हैं, जो IIT की स्टडीज करती है ट्रेंड को लेके, तो एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन संभावना ही व्यक्त की जा सकती है। अभी तक यही है वो भी अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले सितंबर अक्टूबर में अगस्त उसके बाद भी संभावना लगा रहे हैं कि उसके बाद आ सकती है, तो हमें प्रिपेयर रहना है। गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स ने भी युद्ध स्तरीय स्तर पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, काफी रिसोर्सेज बढ़ाए जा रहे हैं, मैन पावर्स और रिसोर्सेज इक्विपमेंट सब लगे हुए, मतलब आप देखिए हेल्थ केयर सिस्टम पूरा आपकी सेवा में लगा हुआ है। तो मेरी सरकार मेरी लोगों से यही अपील रहेगी कि जैसे कि अभी फिलहाल
कुछ दिनों में देखा गया है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है जिस भी सिटीज में, जैसे दिल्ली की मान लीजिए आप, लोग ऐसे बेताब रहते हैं कि पता नहीं कहाँ से कुछ से बंद हो गया कि निकलते आए तुरंत टूट पड़ते हैं भीड़ों पे, भीड़ टूट पड़ रही है, वही मास्क का वही है, सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर रहे हैं, मास्क भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ये बड़े शहरों का आप दृश्य है, तो आप छोटे शहरों का अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर कैसे, वहां पर क्या हाल होंगे। तो मेरे लोगों से यही अपील है कि अभी ये जंग हमने जीती नहीं है, अभी हमें हो सकता है इसमें समय लगे, तो हमें ऐसी लापरवाही नहीं करनी है। हमें अपनी लापरवाही और हमें हमारी नासमझी की वजह से किसी और दूसरे को, दूसरे के लिए खतरा मोल नहीं लेना है, अपने परिवार जनों के लिए और अपने दोस्त यारों के लिए, अपने देश के लिए। तो हमें इसी चीज को देखना है, हमें अभी भी सीरियसली उसी गाइडलाइन जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, उसको अभी भी फॉलो करना है, जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको कंप्लीट कराना है, जल्दी से जल्दी अपनी जिम्मेदारी समझ के इसको कंप्लीट करवाना है, उसमें भाग लेना है, अपने परिवार वालों को सबको एनरोल कराना है। तो मेरी सभी से दरख्वास्त यही रहेगी कि जितना लोग कोविड फ्रंट वॉरियर अपनी जान को खेल के आप लोगों के लिए लग रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी कुछ धर्म और फर्ज है देश के प्रति, उसको निभाना है, लापरवाही नहीं करनी है। और जो पहले हम दो वेवों में जितनी हम जन मन और धन हानि का पहले ही झेल चुके हैं, वो उसको हमें कम करना आने वाले समय में, उसको बढ़ाना नहीं है। तो मेरी सभी किस तरह से ध्यान रखें, मेरी यही अपील रहेगी कि सबसे पहले तो जो भी वैक्सीन के अंदर जो भी गाइडलाइंस के अंतर्गत जो भी आ रहे हैं, जो अभी फिलहाल में जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स है उनको एनरोल कर लिया है, अब शायद जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनको भी न्यू गाइडलाइंस में उनको एनरोल करने की बात चल रही है, जो भी इसमें आ रहा है एडल्ट और ओल्ड एज तो पहले से ही इन्वॉल्व है इसमें, तो जो भी इसके अंतर्गत आते हैं उन्हें तुरंत तुरंत से तुरंत नजदीकी केंद्र पे जाकर वैक्सीन लेनी है, दोनों डोज लेनी है, तभी हम उससे कोविड से और उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। और रही बात हैंड सैनिटाइज की, प्रॉपर मास्किंग की, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, वो अभी भी फॉलो करना है, उसमें कतई लापरवाही नहीं करनी है, वो अभी भी करना है। अच्छी राय मैं जानना चाह रहा था, जो बच्चे हैं जो घर पे रहते हैं मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं, वो किस तरीके से ध्यान रखें अपना इस लहर में, तीसरी लहर में कैसे बचें वो? जैसे कि मैंने बताया, अगर बड़े बच्चे हैं ना, एडोलसेंट ग्रुप के हैं, उनको तो आप अच्छे तरीके से बैठा के समझा सकते हैं कि स्थिति समझा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है, बार संकट वाली जीवन मतलब जान जान पे जोखिम आने वाली स्थिति है, तो उनको तो बैठ के आराम से समझाया जा सकता है कि तो जब तक आप घर पे रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो आप खुद भी खतरे में रहेंगे और परिवार वालों के लिए भी खतरा बनेंगे अगर बाहर जाएंगे, तो उनको भी वही जो एडल्ट फॉलो करते हैं वही गाइडलाइंस, रेगुलर हैंड हाइजीन का प्रयोग सिखाना है, डबल मास्किंग का प्रयोग सिखाना है, इंडोर में भी आप मास्क का प्रयोग करना है, और बाहर को बिल्कुल भी अगर कोई इमरजेंसी नहीं आया है, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं आया, तो बिना बात के बाहर नहीं निकलना है घर से, और अच्छा डाइट लेना है, अच्छी एक्सरसाइज करना है। छोटे बच्चों का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन उन्हें भी हमें हैंड हाइजीन, अच्छा डाइट और अच्छी न्यूट्रिशन तो हम उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी बूस्टअप करा के आने वाले इन्फेक्शन में लड़ने में सहायक हो सके। तो ये हमें पेरेंट्स को काफी ध्यान देना है। बाकी रही मानसिक वाली चीज में, उनको मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया है, नए नए एक्टिविटीज में एनरोल कराना है, नई क्लासेस में एनरोल कराना है उनको, काफी फैमिली में अच्छा एटमोस्फेयर होना चाहिए, फ्रेंडली एटमोस्फेयर होना चाहिए, ताकि वो मिस ना करे बाहर वाले फ्रेंड्स को। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि जब से ये कोरोना की तीसरी लहर के बारे में कई अभिभावकों ने सुना है, उनके मन में अभी से डर का एक माहौल बैठ गया है। आप क्योंकि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, पेरेंट्स से क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे ताकि उनके मन में जो चिंता और एक डर बैठा है वो दूर हो सके? जी, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे थे ना, वैसे ही फॉलो करनी है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको, आप अच्छी सावधानी से और वैक्सीनेशन लेके भी बच्चों को बचा सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं, अच्छा खाना, अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज, और खुद वैक्सीनेशन लेंगे तो उनका भी एक्सपोजर कम होगा फैमिली में, तो आप ये सब चीजें फॉलो करके उनको खतरे से बचा सकते हैं, तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहले जैसे दो लाइन में जिस धैर्य पूर्वक और जिस समझदारी से आप लोगों ने सामना किया, उसी से सामना करना है, हमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस ये भी बात करना, लापरवाही नहीं करना है। जिस दो वे में जैसा कि मैंने बताया लॉकडाउन चालू होता है, फिर लोग सड़कों पर टूट पड़े हैं, बाजारों में टूट पड़े हैं, मॉल्स में टूट पड़े हैं, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है, इनको थोड़ा सीरियसली लेना है।
कि अपना खुद अपनी बेवकूफी की वजह से घर वालों को और परिवार वालों का जीवन संकट में ना डाले। तो ये सब चीजें फॉलो करके आप बच्चों का भी बचाव कर सकते हैं, कुछ अतिरिक्त आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी अपना कीमती समय देने के लिए, पंजाब केसरी नवोदय टाइम से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।